अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा नाम अफजल है और मैं ऑलबरी में रहता हूँ। ये चॉकलेट में ही लगता है, लेकिन यहाँ की बात यह है कि हर चीज़ जो है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पे। हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम अफजल है और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं ऑलबरी में रहता हूँ और ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बॉर्डर पे लगता है। न्यू साउथ वेल्स में ही लगता है, लेकिन विक्टोरिया से के साथ ही है। मेलबर्न से अगर आ रहे हैं तो तीन घंटे दस मिनट की ड्राइव होती है, और अगर यहाँ से अगर सिडनी जाएँ तो ऑलमोस्ट 5 घंटे की है। जॉब वगैरह उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से जो मेलबर्न में होती हैं और जो सिडनी में होती हैं जॉब्स वगैरह। अच्छा रेशो नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप रिसेंटली मूव हुए हैं ऑलरेडी या आप होना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑब्वियसली मोबाइल है, एप्लीकेशन है, तो आप अपनी ये जो डिलीवरी एप्लीकेशन जो चल रही हैं, जिस तरह के उबर है, उबर ईट्स मेलबर्न के अंदर, तो यहाँ पे उबर ईट का तो उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो है मेन्यू लॉक का थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल दैट दे आर डूइंग द मेन्यू लॉक। उसका अच्छा है यहाँ पे, आई थिंक पे आउट भी अच्छा है एज कम्पेयर टू मेलबर्न। स्ट्रगल है यहाँ पे जॉब ढूंढने में, लेकिन ये कि मिल जाती है जॉब्स। अगर आप लोग सिक्योरिटी वगैरह कुछ करना चाहें, सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है। जॉब स्टार्ट करी है सिक्योरिटी की, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब में एक्सपीरियंस था पहले का, और उस एक्सपीरियंस को देखते हुए जो है यहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। कम शिफ्ट थी लेकिन मैं इतनी नहीं कर रहा, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान में जो है वो आपका जाहिर सी बात है, रमज़ान में ये नमाज वगैरह का भी हिसाब होता है, रोज़ा। तो जॉब्स मैं कम ही कर रहा हूँ फिलहाल, ये कि जब इंशाल्लाह रमज़ान 10-15 दिन रह गए, रमज़ान ख़त्म होंगे तो दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे अपनी जॉब्स वगैरह प्रॉपर। पर यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ देखने को मिला, क्योंकि बिल्कुल लाइफ स्टाइल आपकी एकदम डिफरेंट है। ये इतना बिज़ी नहीं है जिस तरीके से मेलबर्न और सिडनी बिज़ी हैं। घर जो हैं वो थोड़े चीप हैं, इतने महंगे नहीं हैं यहाँ बनिस्बत के मेलबर्न से, और ये कि आपको अच्छा घर मिल जाता है 2 कमरों का, 1 कमरे का कम रेंट के अंदर। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, मैं तो मेलबर्न में रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता आगे अगर कहीं आप लोग कैमरा या जो भी जहाँ भी रहता है, कि यहाँ पे जो है वो गैस का बिल नहीं आता, गैस नहीं है यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक है। इवन के मेरे स्टोव जो है वो भी इलेक्ट्रिक ही है, क्योंकि मुझे फिर स्टोव दूसरा लेना पड़ा, गैस स्टोव जो है वो बर्निंग चाहिए। एक और अच्छी बात यहाँ पे कि रिसेंटली रमज़ान में ही कुछ वीक्स पहले यहाँ पे जो है हम लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसे मस्जिद बनाई है, तो छोटी मस्जिद है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी बात है कि यार आपको अगर इस रीजनल के अंदर अगर आपको मॉस्क मिल रही है तो आई बिलीव कि यार ज़रूर अगर आप लोग अगर इधर आएँ या आना चाह रहे हैं, या अगर यहाँ से ट्रैवल करते हुए अगर ये मिड में पड़ रहा है, अगर थोड़ा सा स्टॉप ओवर है, तो यार मस्जिद में चक्कर लगाओ। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप इस्लामिक मॉस्क ऑलरेडी अगर लिख के सर्च करेंगे कि गूगल पे या मैप्स पे, तो आपको लोकेशन दे देगा। रिसेंटली बनी है और बहुत ही खूबसूरत है, छोटी मस्जिद है, इतनी बड़ी नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन वो इस पूरे इंटायर ऑलरेडी के अंदर अगर एक मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए अगर जगह बनी है, तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे कि नमाज अदा करें, हमें भी दे। स्टार्ट करी है, कोशिश कर रहे हैं कि नमाज को कंटिन्यू रखें, और बाकी आप लोगों की दुआएं हैं कि हर चीज़ जो है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पे एवरीथिंग, और सबसे हैंडी है कि कोई इशू नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ का। लेकिन यहाँ पे जो सिटी बना हुआ है इनका, यहाँ पे थिएटर्स भी हैं, थिएटर भी है, और के मार्ट कोल्स वगैरह बनेंगे तो सराउंडिंग में है काफ़ी। और ये कि यहाँ से जो है घूमने के लिए जो इनका सीनिक नेचर है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा या दिखाऊँगा। और बाकी ये कि नया चैनल बनाया है भाई, जाके सब्सक्राइब करो,
अफजल खान के नाम से, अपने नाम से, तो कुछ आता नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सीखूँ। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई आपका भाई हाजिर है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।